ये सड़क प्रशासन ने इतनी चौड़ी बनाई है, लेकिन इसके बावजूद ये सड़क सिर्फ इतने में सिमट कर रह गई है। रोज नया एक नया ढेर मिलता है यहाँ पर। हम खुद जो है उसको यहाँ से कूड़े को हटाने की कोशिश करते हैं। कई बार मेरे साथ मेरे भाई होते हैं, हमने इन कूड़े को हटाया है, लेकिन सवेरे फिर उतना बहुत नहीं। और मेरे ख्याल में पिछले कई दो ढाई साल से 3 साल हो गए लगभग, और ये कूड़े का इतना बुरा हाल है आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद। मैं रजनी ठाकुर अभी मौजूद हूँ ग्रेटर फरीदाबाद की एक सड़क पर। ये सड़क सेक्टर 80 गांव प्रहलादपुर और गांव बड़ौली को कनेक्ट करती है। यही एक रास्ता है जहां से आसपास के लोग इस पर आवागमन कर सकते हैं, यहां से आ जा सकते हैं। ये सड़क प्रशासन ने इतनी चौड़ी बनाई है, लेकिन इसके बावजूद ये सड़क सिर्फ इतने में सिमट कर रह गई है। यहाँ चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। दूर दूर तक आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है। इस कूड़े की वजह से यहाँ पर कई गाय सुअर यहाँ पर आते हैं और यहाँ से कूड़े में अपने लिए खाना ढूंढते हैं। इसी कूड़े के साथ साथ जो वो खाना ढूंढते हैं उस खाने में इनके अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे कण चले जाते हैं। इससे पहले हमारे सामने मामला आ चुका है, एक गाय का पोस्टमार्टम हुआ था जिसके पेट से करीब 1 टन कूड़ा निकाला गया था, प्लास्टिक के कण निकाले गए थे जो इसी ऐसे ही किसी कूड़े में से मिले थे उन्हें। प्रशासन ने कहा था कि वो फरीदाबाद को कूड़ा मुक्त फरीदाबाद बनाएंगे, लेकिन यहाँ देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि ये फरीदाबाद कूड़ा मुक्त हो पाएगा। यहाँ कूड़ा कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा कूड़ा है, दूर दूर तक सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं प्रशासन द्वारा बनाई गई ग्रीन बेल्ट की, तो आप इसकी भी हालत देख सकते हैं। लोगों ने ग्रीन बेल्ट तक को नहीं छोड़ा है। यहाँ सिर्फ आपको ग्रीन बेल्ट पर पौधों के साथ साथ कूड़े कचरे भी मिलेंगे। तो जैसे कि अभी आपने सुना लोगों को इस कूड़े से कितनी दिक्कत होती है। जब वो सुबह सैर करने आते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें ताज़ी हवा और स्वच्छ हवा मिलेगी, लेकिन इस कूड़े की वजह से उन्हें सिर्फ बदबू बदबू ही बदबू मिलती है। इससे परेशान होकर कई बार उन्होंने खुद भी इस कूड़े को साफ़ किया है, लेकिन इसका कोई परिणाम सामने नहीं आया है। उन्होंने अगर आज कूड़ा साफ़ किया है तो अगले दिन कूड़ा फिर से मिलता है उन्हें। लोग इससे आसपास के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से भी अपील की है इस बारे में, लेकिन प्रशासन भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन ने फरीदाबाद को कूड़ा मुक्त करने के लिए योजना भी चला रखी है, लेकिन इसका कोई परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से ये इस सड़क का हाल है आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है इस कूड़े की वजह से। सर आपका नाम? मेरा नाम हितेश कुमार है। और बेटा ये कूड़े की बात जो है, ये हमें तो यही पता नहीं लगता कि कूड़ा आता कहाँ से है। पता नहीं कौन लोग इसे फेंक के जाते हैं। और मैं पिछले 2 साल से इतना परेशान हूँ इस कूड़े से कि हम सवेरे घूमने आते हैं, शाम को मॉर्निंग वॉक, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, शाम को घूमने आते हैं, लेकिन रोज़ नया एक नया ढेर मिलता है यहाँ पर। हम खुद जो है उसको यहाँ से कूड़े को हटाने की कोशिश करते हैं। कई बार मेरे साथ मेरे भाई होते हैं, हमने इन कूड़े को हटाया है, लेकिन सवेरे फिर उतना बहुत नहीं। और मेरे ख्याल में पिछले कई दो ढाई साल से 3 साल हो गए लगभग, और ये कूड़े का इतना बुरा हाल है आप देख सकते हैं। इतना बुरा हाल है बस कह नहीं सकते। निकलना बहुत दुर्लभ है यहाँ से, सांस लेना दुर्लभ है, और बहुत ज़्यादा परेशानी हमें इससे है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कृपया प्रशासन से भी मेरी अपील है कि वो भी ध्यान दे। अगर कुछ काम कर सको तो करें, ना कर सको तो भैया किसी नहीं कुर्सी में बैठे हो, अपने घर बैठो जा करके। बस यही मेरे प्रशासन से कहना है। कई सालों से यहाँ ये कूड़ा फैला हुआ है, हम भी देख ही रहे हैं। ये झुग्गी झोंपड़ी वाले फैला जाते हैं। हमने भी कई बार साफ़ किया है। हम सुबह रनिंग करने आते हैं तो बदबू वगैरह आती है, ये लोग यहीं पर ही शौच वगैरह करते हैं। तो प्रशासन से कहना चाहते हैं बस इनको हटाएं, या फिर म्युनिसिपल वाले इनको देखें, साफ़ करें। और धन्यवाद।